हरे रंग का कूलेंट बढ़िया है या लाल रंग का कूलेंट, कौन सा रंग का कूलेंट सबसे अच्छा रहता है और कौन से वाहन में हमें किस रंग का कूलेंट डालना चाहिए, ट्रैक्टर में हमें कौन सा रंग का कूलेंट डालना चाहिए, कार में हमें कौन सा रंग का कूलेंट डालना चाहिए, और जो भाड़े वाले वाहन है जैसे छोटा हाथी है, बलेरो पिकअप है, आयसर कैंटर है, ट्रक है, उनमें हमें कौन सा कूलेंट डालना चाहिए, जो प्रीमियम गाड़ी है ओडी है बीएमडब्ल्यू है लग्जरी कार्स है उनमें हमें किस रंग का कूलेंट डालना चाहिए, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे रंग के कूलेंट देखने को मिलते हैं, हरा लाल पीला और भी न जाने कितने रंग के कूलेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दो रंग के कूलेंट बिकते हैं, पहला है हरे रंग का कूलेंट और दूसरा है गुलाबी या लाल रंग का कूलेंट। तो कौन से रंग का कूलेंट सबसे अच्छा है ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कूलेंट का जो रंग है वो किस आधार पे दिया जाता है। तो कूलेंट का रंग जो है वो इस आधार पे दिया जाता है कि वो किस तरह से बनाया गया है, और जो आईएटी तरीके से जो बनाया गया है इनऑर्गेनिक इनहिबिटर मिला के जो बनाया गया है उसका रंग रखा जाता है हरा, और जो ऑर्गेनिक इनहिबिटर मिला के जो कूलेंट बनाया जाता है उसका रंग होता है लाल या गुलाबी। और ये जो कूलेंट होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये 5 से 10 साल तक चलता है, मतलब एक बार आपने गाड़ी में डाल दिया तो कम से कम 5-6 साल तो आप भूल ही जाइए, तो इसलिए इसकी कीमत भी जो है वो ज्यादा होती है, और ये जो ज्यादा कीमत होती है मतलब ये ज्यादा महंगा बिकता है। इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इस तरीके से आईएटी तरीके से कूलेंट को बनाया और उसका रंग केमिकल डाल के कर दिया लाल ताकि वो ज्यादा महंगे दाम में बिक सके, और इसीलिए मार्केट में बहुत सारे रंग के कूलेंट आ गए, कोई पीले रंग का आ गया, कोई कैसा आ गया, कोई कैसा आ गया, तो रंग देख के पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन से रंग का कूलेंट सही है और कौन से रंग का कूलेंट गलत है। तो अब पहचान कैसे करें, दूसरा सवाल ये उठता है कि पहचान कैसे करें कि कौन से रंग का कूलेंट हमारा सही है। तो पहचान करना बहुत ही आसान है, आप कूलेंट वाली बोतल जो होती है ये पैक जो होता है इसके पीछे की साइड में देखिए, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा कि ये किस तरीके से बना है। अगर तो ये ओएटी है, ऑर्गेनिक इनहिबिटर मिला के बनाया गया है, तो इस पे क्लियरली लिखा होगा कि ओएटी या एचओएटी हाइब्रिड ओएटी लिखा होगा। तो अगर तो ये ऐसा है तो इसका कूलेंट आपका लाल या गुलाबी है तो सही है, और अगर वो आईएटी है और उसका रंग लाल है या गुलाबी है या पीला है तो समझ जाइए कि वो चीज तो वही है लेकिन केमिकल डाल के उसका सिर्फ रंग बदल दिया गया है, और ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि अगर आईएटी है तो उसका रंग हरा होना चाहिए, और ओएटी है या एचओएटी है तो उसका रंग होना चाहिए हमारा लाल या गुलाबी। बाकी जितने भी आपके कलर के कूलेंट है उनसे आपको बचना चाहिए, मेरी सलाह आपको यही है। अब बात करते हैं अपने वीडियो के मेन सवाल की कि कौन सी गाड़ी में कौन से वाहन में किस रंग का कूलेंट हमें डालना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रैक्टर की, तो देखिए जितने भी ट्रैक्टर ऐसे हैं जो कि नॉर्मल इस्तेमाल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपके खेती बाड़ी वाले ट्रैक्टर है, भाड़े पे चलने वाले ट्रैक्टर है, कीमत की अगर मैं बात करूं तो जो 5-6 लाख है, 4-5 लाख से शुरू होकर और आपके जितने भी आपके 15-16 लाख के 20 लाख तक के जो ट्रैक्टर आते हैं उन सब में आपको आंख बंद करके ये आईएटी टेक्नोलॉजी वाला, ये वाला आईएटी वाला हरे रंग का कूलेंट ही आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं भाड़े वाले वाहनों की, जितने भी भाड़े वाले वाहन होते हैं जैसे कि छोटा हाथी है, बलेरो पिकअप है, आयसर कैंटर है, या टाटा 407 है, या आपका और ट्रक है, तो ये जितने भी वाहन है भाड़े वाले उनमें भी आपको ये हरे वाला कूलेंट ही डालना चाहिए। तो अब बात करते हैं कारों की कि कौन सी कार में कौन से रंग का कूलेंट डालना चाहिए। तो देखिए जितनी भी आपकी मीडियम या अपर मीडियम वाली कार जितनी भी होती है, कीमत की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी आपको मान लीजिए कि 4-5 लाख से जो शुरू होके और करीब 25 या 30 लाख तक की जितनी भी कार आपको देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल यूज के लिए इस्तेमाल होती है कारें, उन सब कारों में आपको आंख बंद करके ये हरे वाला कूलेंट ही डालना चाहिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको रंग बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि वो आईएटी टेक्नोलॉजी से जो बनाया जाता है वो कूलेंट डालना चाहिए और उसका रंग हरा होना चाहिए, सिर्फ आपको मैंने ये बात बताई है, मैंने आपको ब्रांड नहीं बताया। अगर आप मारुति की कार इस्तेमाल करते हैं तो आप मारुति वाला ये वाला कूलेंट डाल सकते हैं, अगर आप टाटा वाली कार इस्तेमाल करते हैं तो टाटा वाला जो कूलेंट आता है हरे रंग का वो आप डाल सकते हैं, हुंडई की आप यूज कर रहे हैं तो हुंडई वाला डाल सकते हैं, आप अपने ब्रांड के हिसाब से ब्रांड आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया है कि वो आईएटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ इनऑर्गेनिक इनहिबिटर से मिला के जो बनाया जाता है और रंग उसका हरा होना चाहिए, ऐसी ये सिर्फ मेरी एडवाइस है आपको। अब बात करते हैं हमारे कि फिर ये वाला जो लाल वाला कूलेंट है या गुलाबी वाला जो कूलेंट है ये वाला कूलेंट फिर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए जितने भी हाई परफॉर्मेंस कार है या लग्जरी गाड़ी है, आपकी ओडी है, बीएमडब्ल्यू है, आपकी लैम्बोर्गिनी है, या और भी जो स्पोर्टी कार है जो कि स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती है या हाई परफॉर्मेंस कार है, तो उन सब कारों में इस वाले कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस वाले कूलेंट को आप ऐसे मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कि आपका साल में 12 महीने आपका बहुत ठंडी रहती है, बर्फ पड़ती रहती है, जहां पे कि ऐसा खतरा बना रहता है कि जो आपका रेडिएटर में आपका जो पानी होता है या जो कूलेंट होता है उसके जमने का जो खतरा है वो बना रहता है, एंटी फ्रीज की तरह आपको काम कराना होता है,
तो उस जगह पे भी आपको ये वाला कूलेंट ज्यादा ठंडे प्रदेशों में ये वाला कूलेंट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और यही कारण है कि जितने भी यूरोपियन कंट्री है उन सब में ये वाला कूलेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और अपनी कंट्री में ये वाला कूलेंट बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी के लिए सही कूलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।